हेलो स्टूडेंट्स, अकॉन इंस्टीट्यूट फॉर नर्सेज में एक बार आपका फिर से स्वागत है एक और नए इजी क्वेश्चन के साथ। द एबिलिटी टू डेवलप समथिंग न्यू विच वॉज नॉट इन एग्जिस्टेंस इज नोन एज। समझा देता हूँ। एबिलिटी टू डेवलप समथिंग न्यू, कुछ न्यू डेवलप करने की एबिलिटी, That is not in existence, जो कि अस्तित्व में पहले से नहीं है, कहलाती है। Achievement, aptitude, attitude, creativity. The second और comment box में जरूर answer दीजिएगा। Easy है, I know, और question भी मैंने समझाया है हिंदी में भी। Start करें। Now, एक एक करके एलिमिनेट करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप एलिमिनेटिव मेथड अपनाएं, अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप डायरेक्ट आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। बट पढ़ने वाले स्टूडेंट को एलिमिनेट मेथड अपनाना चाहिए ताकि अगर दो कन्फ्यूजन में बचें तो प्रोबेबल चांसेस ये बने कि उसका आंसर सही जाए। जैसे कि अचीवमेंट तो किसी चीज को प्राप्त करना होता है, टू गेन समथिंग सक्सेसफुली, जबकि यहां पूछ रहा है डेवलप समथिंग न्यू, तो सक्सेसफुली प्राप्त करना दैट इज अचीवमेंट। एप्टीट्यूड और एटीट्यूड बड़ा ही कंफ्यूजन होता है हमेशा। एप्टीट्यूड दैट इज स्किल, आपकी क्षमता, लेकिन कौन सी क्षमता, किसी स्किल को डेवलप करने की। गिटार सीखना, टाइपिंग सीखना, आपने देखा होगा बैंक वगैरह के एग्जाम जब रिटन क्लियर हो जाते हैं तो अगला जो स्टेप होता है वहाँ लिखा रहता है एप्टीट्यूड टेस्ट, कि टाइपिंग टेस्ट करवाएंगे या वगैरह वगैरह, यानी आपके स्किल्स देखेंगे। तो एप्टीट्यूड भी आंसर नहीं है क्योंकि ये तो स्किल से रिलेटेड है। एंड एटीट्यूड मीन्स द वे ऑफ थिंकिंग, द वे ऑफ बिहेव एंड द वे ऑफ व्यूइंग समथिंग। आप किसी चीज़ को जब देखते हैं तो उसके देखने के नज़रिए को, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, उसके आपको कमियां या अच्छाइयां क्या दिखाई दे रही हैं। सपोज़ मेरे बारे में आपके क्या विचार हैं, अगर आप अच्छाई या बुराइयां बता रहे हैं तो दैट मीन्स कि आपका जो एटीट्यूड है मेरे प्रति वो वैसा है। मीन्स द वे ऑफ थिंकिंग, द वे ऑफ बिहेव, दैट इज एटीट्यूड। क्रिएटिविटी वर्ड बनाए क्रिएट से, एंड क्रिएट मीन्स क्रिएट समथिंग न्यू, क्रिएट समथिंग न्यू बियॉन्ड द लिमिट, बियॉन्ड द सेट बाउंड्रीज। मीन्स हमारे यूनिवर्स में हमें बताया कि कोई चीज़ इतनी है, लेकिन किसी एक व्यक्ति का दिमाग तो इसके बाहर भी चला गया और इस बाउंड्रीज को तोड़ते हुए उसने कुछ नई चीज़ डेवलप कर दी, दैट इज क्रिएटिविटी। दैट मीन्स द एबिलिटी टू डेवलप समथिंग न्यू, दैट इज कॉल्ड क्रिएटिविटी विच इज नॉट इन एग्जिस्टेंस। राइट आंसर इज डी। एक रिमाइंडर वीडियो है ये आपको बताने के लिए, अकॉन इंस्टीट्यूट फॉर नर्सेज का 23 जुलाई से नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है। ये बैच ऑनलाइन बैच है जिसके डेमो 19, 20, 21 तीन दिन फ्री ऑफ कॉस्ट कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं, कंफ्यूजन देखो कहाँ हो सकता है, हो सकता है आप वर्किंग पर्सन हो सकता है आप जॉब में इतने आवर्स स्पेंड कर रहे हो कि पढ़ने का मन तो है बट डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हाउ टू मैनेज टाइमिंग्स। कोचिंग करना तो बहुत सारे स्टूडेंट चाहते हैं बट वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मैं टाइमिंग को कैसे मैनेज करूँगा। तो किस पर, दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी कोचिंग के बैच के बारे में इंफॉर्मेशन लें, आप अपना कन्फ्यूजन, जो डाउट है, करियर गाइडेंस है, वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपसे ये चाहूँगा, सोचें कम समझें ज़्यादा। समझें ज़्यादा का मतलब है परखें, और परखने का मतलब होता है कंपैरिजन। बेस्ट कंपेयर करें, बेस्ट चुनें और जुड़ें अकॉन के साथ। द प्लेस वेयर द लार्जेस्ट टीचिंग आवर एग्जिस्ट इन अ सिंगल प्लेस, ज्वाइन अकॉन।